बम्बई और 1995 से मुंबई। मुंबई मतलब माया नगरी, मुंबई मतलब सपनों का शहर, मुंबई के लोग मतलब मुंबईकर्स और मुंबईकरों की जान मुंबई। कुछ अलग बात है शहर में, यहाँ हर एक कोने में, हर एक लहर में, हर एक जगह लाखों कहानियां बसी है। ये शहर दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर ये शहर है जीने में। यहाँ के लोग, यहाँ के त्योहार, यहाँ का मौसम, यहाँ की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स में बसे सपने और यहाँ का समुंदर। अक्सर लोग कहते हैं कि किसी भी जगह की सुंदरता उस जगह के लोगों से आती है, पर हमें ऐसे लगता है कि किसी भी जगह की सुंदरता उस जगह पर होने वाली लाखों यादों से सुंदर बनती है। मुंबई की सुंदर अदाओं पे बोलने जाए तो शायद पूरा समुंदर कम पड़ जाए, पर हाँ, इसी समुंदर के किनारे बसे हुए एक मुंबई की अदा पर आज हम बात करने वाले हैं, और वो है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया माने मुंबई के सिर के ताज का एक हीरा। गेटवे ऑफ इंडिया ये एक मेहराबदार स्मारक है। अरब सागर से जब हम अपोलो बंदर पहुंचते हैं तब हमें दिखती है गेटवे ऑफ इंडिया की पहली झलक। गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई आने वाले हर एक शख्स का आकर्षण है। हर रोज कम से कम 2000 लोग गेटवे ऑफ इंडिया को भेंट देते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के सर्वोच्च 20 विरासत भवन में से एक है। पर आखिर क्यों गेटवे ऑफ इंडिया इतना मशहूर है, आखिर क्या है इसके पीछे का इतिहास, चलिए जानते हैं। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि इस गेटवे को किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में 1911 में बनाया गया था। शाही काफिले के स्वागत में तैयार इस अस्थाई द्वार को देख महाराजा ने तभी आदेश दिया था कि यहाँ एक स्थाई द्वार बनाया जाए, और साथ ही साथ किसी ब्रिटिश शासक द्वारा ब्रिटिश राज वाले भारत की ये पहली यात्रा थी, तो तत्कालीन मुंबई के गवर्नर लॉर्ड सिडनहैम ने वास्तुकार जॉर्ज विटिट को ये आदेश दिया कि एक ऐसा स्मारक बनाया जाए जो प्रवेश द्वार के साथ ही साथ सम्मान समारोह का भी आयोजन स्थल हो। 1911 में जब क्वीन मेरी और जॉर्ज पंचम ने भारत को भेंट दी तब गेटवे ऑफ इंडिया पूरी तरह से बना ही नहीं था, क्योंकि ये स्मारक बनाने के लिए लगने वाला पीला बेसाल्ट स्टोन जो कि जॉर्ज विटेट की पसंद थी, वो 1911 के बाद सीधा 1914 में उपलब्ध हुआ था, और इस पूरे स्मारक की बनावट 1924 में पूरी हुई थी। 1924 के बाद गेटवे ऑफ इंडिया शाही शासकों तथा मेहमानों के लिए एक नया विधि द्वार और एक शाही प्रवेश द्वार था। विटेट ने इसमें भारतीय और इस्लामिक शैली के साथ ही साथ रोमन स्थापत्य कला के सुंदर मिले जुले रंग भरे हैं। इसमें 14वीं और 17वीं शताब्दी के गुजरात और राजस्थान के स्थापत्य कला का प्रभाव हमें आसानी से दिखता है। इस विशाल सेंट्रल हॉल के दोनों तरफ एक एक कक्ष है जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं। सेंट्रल हॉल के ठीक ऊपर 4 बुर्ज है और उनके बीच में है एक केंद्रीय गुंबद जिसका व्यास 15 मीटर्स है। जमीन से इसकी अधिकतम ऊंचाई 25 मीटर्स है। पूरी सजावट बड़ी प्यार से की गई है। बेसाल्ट स्टोन पर जाली और जटिल नौकाशी का काम देखते ही बनता है। मेहमानों के स्वागत के लिए बनाए गए इस गेटवे के इतिहास के साथ ही साथ एक अजीब इत्तेफाक भी जुड़ा है। भारत की आज़ादी के बाद 28 फरवरी 1948 को अंतिम ब्रिटिश टुकड़ियों को यहीं से विदाई दी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया आज 98 सालों का है, पर इतने साल बीतने के बाद भी आज ये स्मारक हमें वही ताजगी देता है। मन को दहलाने वाला ये स्मारक मुंबईकरों की शान है। आज 2022 की बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया पर्यटन का सबसे बड़ा मुकाम है। जैसे हर पर्यटन स्थल के ऊपर कई घर चलते हैं, वैसे ही गेटवे ऑफ इंडिया बहुत लोगों के रोजी रोटी का कारण है। उनमें से किसी एक की बात करें तो वो है यहाँ के फोटोग्राफर्स, जो कि यहाँ आने वाले हर एक पर्यटक के लिए देखा जाए तो यादें संभालने का एक सुनहरा मौका है।
पर आज हर एक शख्स के पास होने वाले स्मार्टफोन के कारण आज इन फोटोग्राफर्स का उतना महत्व नहीं रहा जितना पहले होता था। बिजनेस बहुत घाटे में चल रहा है, बिजनेस कहाँ हो रहा है, सबके पास एप्पल है, मोबाइल है, बारी बारी मोबाइल आ गया, हम लोग का धंधा खत्म हो गया, अधिकार धंधा रह गया है, मोबाइल आने से हम लोग का धंधा खत्म है क्या? नहीं तो पहले लोग खड़े रहते थे, हमारा खींचो हमारा खींचो हमारा खींचो। पर फिर भी जो बात एल्बम में फोटो संभाल के रखने में है वो बात आजकल इंस्टा स्टोरीज में कहां। पर फिर भी ये फोटोग्राफर सुबह से लेके शाम तक यहाँ अपनी रोजी रोटी के लिए यादें बांटते रहते हैं और इनकी खींची हुई यादें आज हजारों एल्बम्स में खुशियां लेके समाई हुई है। तो क्यों ना एक पल के लिए हम भी अपने फोन अंदर रखकर उनके लिए भी ये लम्हे यादगार बनाएं। गेटवे ऑफ इंडिया सांस्कृतिक और अन्य बहुत सारे पहलुओं से महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ होने वाले सांस्कृतिक समारोह हमें भारत की एकता की झलक दिखा जाते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया की एक बात हमें बहुत चकित कर देती है कि इस स्मारक को हम कहीं से भी देखें तो वो उतना ही सुंदर और मन दहला देने वाला दिखता है। हर रोज हजारों लोग मुंबई की इस अदा पे फिदा होते रहते हैं। यूं ही नहीं लोग मुंबई को माया नगरी कहते हैं। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। कहीं बिल्डिंग कहीं ट्राम में, कहीं मोटर कहीं मिल, मिलता है यहाँ सब कुछ एक मिलता नहीं दिल। इंसान का नहीं कहीं नामो निशान, जरा हट के जरा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान।